हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सोलो ट्रैवलर। तो भाई दो बाइक्स खड़ी है मेरे पास और दोनों ही बजाज की बाइक है, दोनों ही 250 सीसी का इंजन यूज़ करते हैं। और काफ़ी लोगों के मन में आया होगा कि बजाज के पास जब पहले से डोमिनार 250 थी तो इन्होंने N250 F250 क्यों लॉन्च कर दी। तो भाई F250 मेरे सामने खड़ी होगी, N250 अभी अरेंज नहीं हो पाई, बाकी कभी आगे मौका लगेगा तो उसके साथ भी कर लिया जाएगा। तो भाई दोनों का 250 सीसी का इंजन है, लेकिन इंजन में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। पहला अंतर तो ये है कि ये आपका जो डोमिनार है ये लिक्विड कूल होता है, और जो आपका N250 F250 का इंजन है वो आपका ऑयल कूल्ड इंजन है। इसके अलावा डोमिनार का जो इंजन है ये 4 वॉल्व के साथ आता है, और जो आपका N250 का इंजन आता है ये 2 वॉल्व के साथ आता है। तो डोमिनार में वॉल्व ज़्यादा होने की वजह से अच्छी तरह आपकी जो फ्यूल और एयर का मिक्सचर होता है ज़्यादा ब्रस्ट हो सकता है, ज़्यादा इजली ज़्यादा मिक्सचर ज़्यादा आ जाएगा और जल्दी एग्जॉस्ट निकल जाएगा, तो ज़्यादा पावर जनरेट करती है। तो भाई इसकी 250 सीसी की जो इंजन है डोमिनार का, ये 27 PS की पावर जनरेट करती है। वहीं पे आपका N250 और F250 का जो इंजन है यहाँ पर 24.5 PS की पावर जनरेट करती है, तो 2.5 PS ज़्यादा पावर जनरेट कर रही है। टॉर्क भी ये ज़्यादा जनरेट कर रही है 23.5, और ये आपका कर रही है 21.5, यानी 2 Nm टॉर्क भी ज़्यादा जनरेट कर रही है। तो एक बार कर लेते हैं, साथ ही इसमें 6 स्पीड ट्रांजिशन है, उसमें 5 स्पीड है। तो करते हैं दोनों को कंपेयर, देखते हैं कौन सी बाइक ज़्यादा आगे निकल जाती है। वेट में भी एक बार मैं आपको डिफरेंस बता ही देता हूँ, डोमिनार आपकी 180 kg की आती है और आपकी जो F250 है ये आपकी 164 kg की आती है, तो वेट में भी ये ज़्यादा है। तो पहले मैं F चलाऊँगा, भाई आपकी डोमिनार चलाएगा। तो करते हैं एक बार, देखते हैं। डोमिनार आगे निकली है थोड़ी सी, और डोमिनार 250 इनिशियल में आगे निकल चुकी है, एंड देखते हैं एफ अब हमें बीट कर पाती है कि नहीं कर पाती है। ओहो, लेकिन कोई बात नहीं, पीछे पीछे एफ भी आ रही है, लेकिन यार टॉप स्पीड में हो सकता है एफ डोमिनार को बीट कर दे, क्योंकि फेयरिंग है भाई, फेयरिंग है, फेयरिंग का बहुत फर्क पड़ जाता है भाई साहब। देखते हैं क्या रिजल्ट निकल के आता है फर्स्ट रेस का आपका। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंजॉय करिए यार, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बीच में कुत्ता है, इसकी फेयरिंग जो है वो आपकी फुल फेयर नहीं है, हाफ फेयर है, और उसके बाद भी काफी ज्यादा अंतर आ जाएगा। ओहो भाई आ गया सामने, ओहो भाई साहब जान ना ले ले किसी दिन ये। ओहो यहाँ पे मैंने थोड़ा स्लो किया कि बीच में आया था कुत्ता, और F250 आगे निकल चुकी है। आप देखते हैं F250 को बीट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। गाना याद आ गया मुझे तुरंत, नारायण दिख जाते हैं वाला भाई, एक्सप्रेस वे पे ऐसे ऐसे जानवरों को भेज देना। तो भाई ये रेस था, भाई ने छोटी धीरे कर ली थी, मैंने धीरे नहीं की, तो आगे निकल गई मेरी एफ। अर्ज किया है पता नहीं किस भेष में आकर नारायण मिल जाएंगे। निर्मल हाँ, नहीं ऐसा नहीं है, चलो देख लेते हैं, दूसरी रेस कर लेते हैं, पता चल जाएगा देना। तो भाई चलिए कर लेते हैं राइडर चेंज, बाकी आपने देखा क्या दुर्घटना होने वाली थी। कांड हो गया
तो अब भाई मैं चलाऊंगा डोमिनार और भाई चलाएंगे आपकी एफ। डोमिनार का पिकअप तगड़ा है, देखो ऐप से आगे निकल गई। मुझे लग रहा था वेट की वजह से मेरे को मतलब डिसएडवांटेज मिल रहा था, बट ऐसा नहीं है, डोमिनार का पिकअप तगड़ा है। भाई डोमिनार यहाँ पे देखो आगे निकल चुकी है, और यार ये चीज मैंने इसमें नोटिस की, बजाज की जो N और F सीरीज है, ये पहले पर 50 बन जाती थी, अभी इसकी सारी सर्विस सब कुछ मेंटेन है गाड़ी, लेकिन फिर भी ये गाड़ी 145 पे लिमिटर मार दे रही है। मैंने अपने वेट पे भी इसको खींच दिया है और डोमिनार ने F250 को बीट कर दिया है। एटलीस्ट उसमें क्या बोलते हैं, इनिशियल में तो बीट कर ही दिया है, और लॉन्ग रेस का देख लेते हैं क्या है मुकाबला। लॉन्ग रेस में देखो 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 एफ आगे निकल रही है, लॉन्ग रेस में एफ आगे निकल रही है। छठे गियर पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे देखो डोमिनार को बीट कर चुकी है भाई ये, लेकिन लिमिटर लग गया इसका। डोमिनार को बीट कर चुकी है पर लिमिटर लग गया इसका, 156। देखो 145 146 पे इसका लिमिटर मार दे रही गाड़ी। ये दिक्कतें आ रही बजाज की गाड़ियों में, और जिन जिन के पास NF है भाई, एक बार आप लोग भी चेक कर लो सर्विस के बाद, ऐसी दिक्कत आ रही कि नहीं। डोमिनार बहुत इजीली देखो निकल गई। छठे गियर पे मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ और F आगे निकल रही है, देखता हूँ एक बार। डोमिनार की टॉप स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है, क्या पता आगे निकल जाऊँ मैं। ये मैंने बीट किया, मुझे लगता है F में लिमिटर आ रहा होगा, क्योंकि ये 150 बहुत पहुँच गई है, और F आपकी 150 के आसपास लिमिटर मारने लग जाती है। और भाई डोमिनार 154, ये नहीं सोचा था मैंने कि डोमिनार 154 जाएगी। और भाई साहब, तो भाई विनर डोमिनार रही है, 100% है। पिछली रेस में भी बीच में मैं लीड बनाने वाला था, पर कुत्ता आ गया, बट उसके बाद डोमिनार आगे लीड बना लेती, तो मुझे नहीं लगता कि F बीट कर पाएगी डोमिनार को। ओ भाई भैया से मैं बोल रहा हूँ, अब रुक जाओ, अभी गाड़ी और आगे नहीं जाएगी। क्योंकि देखिए अब मैं खड़ा हो चुका हूँ, तो वो भी बंदा धीरे धीरे वेट अपना कम कर रहा होगा वाइट पे, और उसके बाद भी डोमिनार से बहुत आगे नहीं निकला है वो। तो भाई ये थी आपकी ड्रैग, और मज़ा आई है थोड़ी नहीं, काफ़ी मज़ा आई है, और निकल गई भाई आगे डोमिनार। तो दोनों ही रेस की विनर आपकी डोमिनार रही है, चाहे आप इनिशियल की बात कर लो चाहे टॉप एंड की बात कर लो, तो डोमिनार में यार पावर है। जो आपका फोर वॉल्व इंजन है वो टू वॉल्व से यार पावरफुल तो होता ही होगा। अपाचे के केस में आप देख ही रहो, दो वेरिएंट वो लोग बेच रहे हैं सेम इंजन के, टू वॉल्व और फोर वॉल्व, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है परफॉर्मेंस में। तो सेम वही चीज़ है, 250 cc का इंजन है, एक तो मतलब 6 speed गियर बॉक्स भी है, ऊपर से 4 valve इंजन है, ज़्यादा पावर दे रहा है, ज़्यादा टॉर्क दे रहा है, तो जो वेट का थोड़ा सा एडवांटेज है उसको ओवरकम कर ले रही है। तो इसी के साथ ये ब्लॉग इन करते हैं। दिस इज़ राम स्लो ट्रैवलर साइनिंग ऑफ।